सब कह रहे थे कि जवान का प्रीव्यू आने के बाद इसका ट्रेलर कभी नहीं आएगा, वही गुमनामी का समुंदर है उसमें ही जाके डूब जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मानना पड़ेगा जवान का ट्रेलर देखने के बाद इसकी कहानी किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन मेरे समझ में आई। बताओ क्या? अबे चिल्ला चिल्ला के ये सबको स्कीम में बता देगा। साले चमगादड़ तू चुप हो जा रे, तू बीच में मत बोल साले, क्योंकि इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता। ये चमगादड़ को सादा मानुष मत समझो, ये साला बड़ा हरामी मानुष है रे बाबा, ये एक दिन पूरी फिल्म को लीक कर देगा रे बाबा। सच कहूँ तो वो जवान का जो सीन है ना, वो मैंने ही लीक किया था, किसी को बताना मत। ओ भाई साहब इधर देखो, इतने सारे रोल करोगे तो साला आने वाले फिल्मों में क्या करोगे? सारे के सारे रोल अभी कर दोगे, अबे आगे की फिल्मों के लिए भी रखो कुछ। मेरी फिल्म है ऐसे ही होती है, या मैं काम नहीं करता हूँ, यहाँ पे मेरी क्रिएटिविटी काम करती है रे बाबा। हाँ भाई, क्रिएटिविटी दिखाने का मौका अगर मुझे मिल जाए ना, तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ, रास्ते से उठाकर मैं स्टार बना दूंगा किसी को भी, तो एक बार मौका मिल जाए मुझे। अबे तू चुप हो जा, तेरी क्रिएटिविटी हमने देख ली, अब हमें अटली की फिल्म देखनी है। कैसा था बोला तो तेरी जुबा कैसे कर दूंगा। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि शाहरुख के साथ मैं काम कर रहा हूँ रे बाबा, ऐसा चाना समय अपने हाथ से कैसे जाने दूंगा रे बाबा, ऐसा सुनहरा मौका में अपने हाथ से कैसे जाने दूंगा। इसलिए मैंने इस फिल्म को बड़ा सोच समझ के बनाया है। इस बार शाहरुख खान की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म मेरे नाम ही रहेगी रे बाबा। इस फिल्म में मैंने वो सारे काम किए, वो सारे रोल किए जो इससे पहले मैंने कभी नहीं किए थे। इतना डेडिकेशन पता नहीं कहाँ से लाया मैंने, क्या करूँ मैं इतना डेडिकेशन का, क्या करूँ रे, इतने सारे रोल कर दिए मैंने, वो भी एक ही फिल्म में। इसलिए तो भाई ये फिल्म सबसे हटके रहेगी। सूत्रों की माने तो इस फिल्म में पहली बार शाहरुख खान ने पुलिस का रोल किया है शायद, और गंजे का रोल भी पहली बार ही किया है। इस फिल्म में मेरा केमियो नहीं है, इसलिए शायद ये फिल्म ज्यादा कमाएगी नहीं। पठान में मेरा केमियो था, इसलिए वो फिल्म मस्त कमाई। ए साला कोई फर्क नहीं पड़ेगा रे, ये फिल्म पठान से दो गुना कमाई करेगी। मैं बोलता हूँ मेरी बात मानो, क्योंकि इसमें पठान से कई गुना ज्यादा अच्छा कॉन्टेंट है, मैंने इसमें बहुत मेहनत किया है। पठान तो सिर्फ ट्रेलर था रे, असली पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब लोग तो टाइगर 3 का ट्रेलर भी लेके आ जाना पड़ेगा, साला बड़ा हल्के में ले रहे लोग, सब लोग अपनी अपनी फिल्में रिलीज कर रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं? साला कब तक बिग बॉस पे काम करता रहूंगा? टाइगर 3 के मेकर्स से मेरी विनती है, सालो जल्दी से टाइगर 3 का ट्रेलर डाल दो, मेरे मन में बड़ी चुलबुली हो रही है बे। मैं बॉलीवुड का चुलबुल पांडे हूँ। सलमान भाई आप सिर्फ चुलबुल पांडे नहीं हो, आप बॉलीवुड के दबंग हो। दबंग किसने बोला आप चुलबुल पांडे हो? आप राधे हो, आप प्रेम हो, आप क्या क्या नहीं हो, आप ही तो बॉलीवुड हो। आप एक काम करो, अगली फिल्म मेरे साथ साइन कर दो, आपको मैं दबंग से दबंगिया बना दूंगा। आपको तो मालूम है मैं रास्ते से उठा के किसी को भी स्टार बना देता हूँ, एक बार मेरी फिल्म साइन करो आप। अबे तू चुप हो जा वरना मैं तेरे को अपनी रेस 3 दिखा दूंगा। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी। आप रेस 3 आप ही देख लो, मैं अपनी आदि पुरुष देख लूंगा। जवान का ट्रेलर डाल के मेरे गदर 2 की हाइप कम करना चाहते हो तुम लोग? मैं तुम्हारी साजिश को समझ चुका हूँ बलवंत राय के बच्चों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे फिल्म को हल्के में मत लो, मेरी फिल्म जवान से पहले चल रही थी, जवान के बाद भी चलेगी, क्योंकि मेरी फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। मेरी फिल्म को भारत के कोने कोने से प्यार मिल रहा है, मेरे जवान को भी भारत के कोने कोने से प्यार मिलेगा, पक्का प्यार मिलेगा, अच्छा प्यार मिलेगा, क्योंकि इसको अटली ने बनाया और अटली मास फिल्म में बनाता है। हाँ भाई मैंने इस फिल्म को ऐसे बनाया कि अगर आप इस फिल्म को चांद पे भी रिलीज कर दोगे ना, तो ये फिल्म चांद पे भी 500 करोड़ कमाएगी। अबे ये कुछ ज्यादा हो गया। हाँ भाई सॉरी सॉरी, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया।